असल प्यारे दोस्तों उम्मीद है कि आप सब से होंगे हम आपके लिए कुर्बानी से मतलब एक अहम वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं वीडियो का अनवान है कुर्बानी से पहले दस दिन बाल और नाखून ना काटे का मसला तो दोस्तों शुरू वीडियो शुरू करते हैं यकम झील हिज्जा के बाद नाखून और बाल काटना िलहिज़ा के पहले दस दिनों में बाल और नाखून ना काटने की शरी हैसियत क्या है क्या ये सिर्फ कुर्बानी करने वालों के लिए है या सब मुसलमानों के लिए है नीज़ अगर किसी की हजामत ज़्यादा बिगड़ी हुई हो तो क्या वो इन दिनों में बाल बनवा सकता है रहीम दात चार सद्दा से झीलिजे का चाँद नज़र आ जाए तो हदीस में आता है कि वो शख्स जिसने क़ुरबानी करनी है कुरबानी का इरादा है जिसका हर आदमी के लिए नहीं है जिसने कुर्बानी करनी है जिसका इरादा है ज़ाहिर है मालदार का इरादा होता है और अगर ग़रीब का इरादा बन गया है वाजिब तो नहीं है ग़रीब पर लेकिन वो इरादा कर लेता है तो उसके लिए भी मुस्तहब हुक्म यह है कि वह नाखन और बाल ना काटे यानी चाँद नजर आने से पहले पहले काट ले और फिर इन दस दिनों में ना काटे और वह जब काटे जब, जब जानवर के गले पर छुरी चल जाए ये अफजल अमल है बेहतर अमल है लाजिम नहीं है और ये अफजल भी उस सूरत में है कि बाज़ दफ़ा ये होता है कि चालीस दिन होने वाले हैं और नाखून बाल आपने कहीं काटे नहीं हैं तो फिर चालीस दिन की मदद से ज़्यादा तो फिर ये नाजायज़ हो जाएगा तो फिर ऐसी सूरत में बहरहाल आपको काटने पड़ेंगे यानी बहुत ज़्यादा अगर नाखून बाल बढ़ गए हैं और चालीस दिन की मुद्दत पूरी होने वाली है तो फिर आपके लिए काटना उन बालों को वाजिब है कुर्बानी अपने वतन में हो तो बाल वगैरह किस हिसाब से काटेंगे बेटा लंदन में रहता है और कुर्बानी कराची में होती है क्या वो अपने बाल वग़ैरह कराची के हिसाब से कुर्बानी के बाद काटेगा नुजहत साहिबा कराची से जी हाँ क्योंकि हदीस में आता है कि जो बाल या नाखून ना काटे जाएँ जो कि अफजल अमल है वाजिब नहीं है तो वो उस सूरत में है जब जानवर के गले पे छुरी चल जाए तो फिर काट सकता है तो जब कराची में उसने कुर्बानी की और यहाँ जानवर कट गया तो वो लंदन में हो या अमेरिका में हो बाल काट सकता है कुर्बानी की इबादत का आगाज़ कब हुआ क्या कुरबानी हज़रत इब्राहिम के ज़माने से शुरू हुई है ये इससे पहले भी होती थी नीज ही हज़रत इब्राहिम से पहले जो नबी थे वो किस चीज़ की कुर्बानी करते थे ऊसमान गोज़ना वाले से कुरान से इशारा मिलता है कि कुरबानी हज़रत इब्राहीम से पहले भी होती थी मगर इस शक्ल में नहीं थी वो दूसरी शक्ल में थी इद कर्रबा क़ुरबान फ़तुब्बिल अहदि हिमा वम तब्बल मिन आखर काबिल और हाबिल ने कर्बानी पेश की थी काबिल की कबूल हो गई सॉरी हाबील की कबूल हो गई काबिल की रद हो गई तो उससे भी मुतबाद यही होता है कि उन्होंने जानवर ज़बा करके अल्लाह के यहाँ पेश किया था लेकिन कोई सही यकीनी मुस्ंद बात नहीं है इस बारे में इब्राहिम इब्राहीम से प्रॉपर इस सुन्नत का आगाज हुआ है उनको बेटे ज़बा करने के लिए, लिए लिटाया गया और फिर उन्होंने अल्लाह के हुक्म को पूरा किया और अल्लाह ने बेटे के बजाय एक जानवर दे दिया उनको तो हम जो कुर्बानी की सुन्नत को पूरा करते हैं वो इब्राहिम इब्राहीम की सुन्नत को ताज़ा करने के लिए उनकी सुन्नत को जिंदा करने के लिए तो हमारी वाली कुर्बानी हजरत इब्राहिम से ही शुरू हुई है अलबत् इस यानी जानवर अल्लाह के लिए ज़बा करने का फ़लसफा हमें कुरान और सुन्नत से इशारा मिलता है कि वो पहले से भी था वो उम्मीद करते हैं आप सबको मसला समझ में आ गया होगा वीडियो को लाइक करके जरूर शेयर करिए जय्ला